alaikum, my name is Harim. I hope you all are fine. you are watching my YouTube channel of English grammar and speaking. Firstly subscribe it and press the bell icon. Today I am going to discuss about formal greetings. Here is a conversation between Professor Aston. Professor Aston is an aged person and here is the character of IMA and uh, हेयर इज़ आल्सो द करेक्टर ऑफ अ पर्सन हुज़ ने मज़ जेम्स आप सबको पता है कि डेली बेसिस पर अगर आप लोग एक कन्वर्सेशन सुनेंगे क्योंकि मैं आपको डेली बेसिस पर एक कन्वर्सेन भी बताऊँगी डिफरेंट टॉपिक्स पर अब ये है फॉर्मल ग्रीटिंग्स मतलब जो नॉर्मली रूटीन में ग्रीटिंग्स होती हैं या फिर आप किसी को किसी से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो उस हवाले से है तो ये चीज़ जो है आपकी स्पीकिंग पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और काफ़ी अफेक्टिव रहती है मतलब काफ़ी आप इसे इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये कन्वर्सेशन है इन तीन करेक्टर्स के दरमियान गर्ल का नेम है ईमा और यहाँ पे प्रोफेसर एस्टन मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पे जेम्स जो ये गर्ल के इक्वल बिल्कुल बैठे हुए हैं लेवल पर और डेस्क पे बैठे हुए हैं और जो प्रोफेसर हैं वो ही इज सिटिंग ऑन द चेयर एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो ये थोड़ी सी इनके दरम्यान कुछ ग्रीटिंग्स हैं एंड देन फिर ये डिस्कशन करेंगे तो ये आज हम डिस्कस करेंगे सो हेयर वो इट्स द कन्वर्सेशन बिटवीन दीज करेक्टर्स द नंबर वन इज जेम्स गुड मॉर्निंग प्रोफेसर आस्टन हाउ आर यू क्योंकि सबसे पहले हम किसी का हाल हवाल ही पूछते हैं कि आप कैसे हैं प्रोफेसर एस्टन गुड मॉर्निंग जेम्स आई एम डूइंग वेल एंड यू मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो अब हम ये भी कह सकते हैं आई एम फाइन आई एम गुड आई एम फीलिंग गुड और आई एम डूइंग वेल ठीक है I'm fine, I'm good, I'm good, well, तो उसके बाद जेम्स कहते हैं कि आई एम ग्रेट थैंक यू दिस इज़ माई फ्रेंड एमा शी इज़ थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग टू दिस कॉलेज शी हैज़ अ फ्यू क्वेश्चन वुड यू माइंड टेलिंग अस अबाउट द प्रोसेस प्लीज कि ये इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहती हैं इनका नाम ईमा है और ये इनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ये आपसे डिस्कस करना चाहती हैं तो आप अगर बुरा ना माने तो आप इनके जो कन्फ्यूजन है या फिर जो ये कॉलेज का प्रोसेस है उसके हवाले से आपसे डिस्कस करना चाहती हैं क्या आप इनकी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे क्या आप इनको थोड़ा गाइड करेंगे तो प्रोफेसर एस्टन कहते हैं हेलो एमा इट्स प्लेजर टू मीट यू इट्स प्लेजर ठीक है आपने इसे क्या प्रोनाउंस करना है प्लेजर इट्स प्लेजर टू मीट यू आई एम मोर हैप्पी आई एम मोर देन हैप्पी टू स्पीक विद यू प्लीज स्टॉप बाय मा ऑफिस नेक्स्ट वीक अब यहाँ पर प्रोफेसर एस्टन जो है उनको रिस्पॉन्स करते हैं कहते हैं कि है, हेलो हिमा तो मैं खुद बहुत ज्यादा खुश हूँ तुमसे मिलकर ठीक है आप ये भी कह सकते हैं इट इज प्लेजर टू मीट यू आई एम मोर देन हैप्पी टू स्पीक विद यू ये भी आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कहते हैं कि नेक्स्ट वीक ना तुमने मेरे ऑफिस के बाहर तुम मेरा वेट कर सकती हो और तुम नेक्स्ट वीक आओ और मिल सकती हो जो भी तुम्हारी कन्फ्यूजन है वो हम डिस्कस कर लेंगे एमा इट्स प्लेजर टू मीट यू प्रोफेसर मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर और जो मामला है उनको डिस्कस करके तो यहाँ पे प्रोफेसर कहते हैं डोंट मैंशन इट डोंट मैंशन इट भी कह सकते हैं इट्स ओके भी कह सकते हैं तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसी के तकल्लुफ़ को अगर वो करा है तो फिर आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है होपफुल आई वुल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन में हाँ मैं इस काबिल हूँ कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकूँ क्योंकि प्रोफेसर हैं तो वो बिजी होंगे डेफिनेटली तो ये इस किस्म की फॉर्मल कन्वर्सेशन थी बट आपने इन सेंटेंसिस को डेली बेसिस पे यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो ग्रीटिंग्स होती हैं सबसे पहले जो है आपने देखा इन करेक्टर्स के दरमियान ग्रीटिंग थी एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है प्र, प्रोफेसर से और फिर प्रोफेसर से अपॉइंटमेंट ली है और प्रोफेसर ने भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है इसी तरह से द ग्रीटिंग्स गुड मॉर्निंग्स गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग आर यूज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे टू greet पीपल कि आप लोगों ने जब लोगों से मिलते हैं तो फिर जैसे जैसे टाइम होता है मॉर्निंग का का है तो गुड मॉर्निंग आफ्टर ट्वेल्थ ए एम अगर आप बात करते हैं सॉरी ट्वेल्व पी एम जब हो जाता है तो आप क्या कहेंगे गुड ऑफ्टरनून वो आफ्टरनून हो जाता है इट यूज आफ्टर सिक्स पी एम और जनरली वैन द सन हैज सेट या फिर जनरली जब सूरज गुरु हो जाता है तो इसी तरह से अब गुड नाइट जो है इट्स नॉट अ ग्रीटिंग अब आप ये कह सकते हैं कि ग्रीटिंग नहीं है बल्कि इट इज़ यूज वन लिविंग अ प्लेस और ग्रुप ऑफ पीपल बस अब हम यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल को लीव कर रहे हैं हम किसी पार्टी में हैं देन हम आपने सोना है और फिर आप किसी को कह रहे हैं कि भाई अब एंड ऑफ द कन्वर्सेशन गुड नाइट तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोने लगे हैं बल्कि आप ये भी हो सकता है कि आप अपने घर जा रहे हैं थैंक यू एंड गुड नाइट एंड सी यू टू ये भी आप कह सकते हैं एंड देन when people meet in the United States it is customary for them to shake hands अब जैसे कि अब जो American यू एस के यानी जो यू एस के हैं लोग तो वो क्या करते हैं कि वो आपस में यानी कि हैंड शेक करते हैं हाथ मिलाते हैं अब हम नॉर्मली इस तरह से पाकिस्तान में इतना नहीं है लेकिन बास जगहों पे है हैंड शेक कर लेना लेकिन वो जो है इट्ज़ कस्टमरी उनके लिए ज़रूरी है टू to them to shake hands. A shake hand should be firm and usually lasts for about two to three seconds, which allows enough time to say "nice to meet you." यानी दो या तीन seconds के लिए आप वो अपना hand हाँ, को shake करते हैं, मतलब हाथ मिलाते हैं. Don't mention it. It is uh, another way of saying you are welcome. और जो यहाँ पर हमने don't mention it यहाँ पे discuss किया था ऊपर, ये आप देख सकते हैं इट इज़ हाई लाइट हेयर यहाँ पर हाई लाइट है तो इट्स इट्स मीन के आप लोग कह रहे होते हैं यू आर वेलकम के तुम कोई ज़रूरत नहीं है थैंक्स थैंक यू करने की और तुम जो हो आ सकती हो मैं तुम्हें बता दूंगा देन दिस द फ्रेज यू आर योर वेलकम इज मोर फॉर्मल क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है और जब हम बात करते हैं हावर रिस्पॉन्स इज सच एज डोंट मैंशन इट नो प्रॉब्लम हैप्पी टू हेल्प आर इनफॉर्मल वेज ऑफ रिस्पोंड रिस्पोंडिंग समवन टू थैंक यू या फिर हम ये कह सकते हैं ये जो हम कहते होते हैं हैप्पी टू हेल्प कि मुझे खुद मैं तुम्हारी मदद करके खुश हुआ हूँ या फिर नो प्रॉब्लम डोंट मेंशन तो ये हम रिस्पोंड कर रहे थे रिस्पोंडिंग टू थैंक यू कि भाई इन रिटर्न आप भी थैंक यू कर रहे हैं कि अगर आपको कोई थैंक्स कर रहा है तो ये थी एक फॉर्मल कन्वर्सेशन डेली बेसिस पे आप ये कन्वर्सेशन भी अप्लाई करें डेली रूटीन बना लें अबाउट फाइव टू टेन मिनट्स ये वीडियो और वैसे भी मेरी वीडियोस में खुद इतनी लेंथी बनाती नहीं हूँ ताकि आप लोग भी इजीली उसको व्यू सके तो अगर आप ये एड करेंगे डेली बेसिस पर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्पीकिंग योर फ्लू बी रेडिंग फॉर द नेक्स्टेशन टूम एंड ट्राई टू अप्लाई दिस कन्न और गिव योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन डो नॉट फॉर गेट टू गिव योर व्यूज एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर से